सतना की सियासत, ट्रेन में महिला से छेड़खानी के मामले में भाजयू ने फूका विधायक का पुतला। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलती ट्रेन में महिला यात्री के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में प्रदेश भर में मची खलबली के बीच सतना में भी सियासत गरमराई हुई। सतना में कांग्रेस के सतना व कोतमा विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस मामले में फ्रंट फुट पर आई भाजपा के युवा मोर्चा तो विधायक के खिलाफ सड़क पर उतर आए। रीवा से रानी कमलापति स्टेशन तक जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में अपने नवजात बच्चे के साथ यात्रा कर रही महिला यात्री के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में भाजपा हमलावर हो गई। सतना में भाजपा की यूथ विंग भाजयुमो के कार्यकर्ता इस मामले में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ सड़क पर उतर गए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार के शाम विरोध प्रदर्शन करते हुए सतना से कांग्रेस के विधायक व महापौर प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ कुशवाहा का पुतला फूंका। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति की रक्षा के लिए भाजयुमो मैदान में है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष सौभाग्य केसरी ने कहा कि सतना और कोतमा के कांग्रेसी विधायकों की यह घिनौनी हरकत नारी शक्ति का अपमान है। जिस तरह की हरकत विधायकों ने की है उसने पूरे समाज को शर्मसार किया है। बता दें कि रेवांचल एक्सप्रेस की फर्स्ट क्लास की बोगी H1 के कोच में नवजात बेटी के साथ यात्रा कर रही महिला यात्री ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर नशे में अभद्रता पर और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सागर GRP ने मामला भी दर्ज किया है। हालांकि दोनों विधायकों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। महिला यात्री को तो उन्होंने अपनी सीट भी दी थी, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। उधर इस मामले में प्रदेश भर में सियासी खलबली मच गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने तर्क प्रक्रिया दी है तो PCC चीफ कमलनाथ ने भी विधायकों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तलब दिया है। बने रहे खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।